हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स इंग्लिश रेनबो का चैप्टर एट। बहुत ही सुंदर कहानी है लिलीपुट में गुलीवर। वंस देयर वाज अ सेलर नेम्ड गुलीवर। एक बार गुलीवर नाम का एक नाविक था। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉयज विद हिज फेलो सीमैन। वह अपने साथियों के साथ लंबी समुद्री यात्रा पर गया। वन डे एक दिन देयर वाज अ फियर्स स्टॉर्म एट सी। सागर में बहुत तेजी का भयंकर तूफान आ गया। His ship sank, but Gulliver swam to the nearby island. उसका जहाज तो डूब गया, लेकिन गुलीवर पास के ही द्वीप में तैरकर पहुंच गया। It was called Lilliput. इसको लिलीपुट कहते थे। When he reached there, जब वह वहां पहुंचा, he was very tired. वह बहुत अधिक थका हुआ था। He soon fell asleep. वह शीघ्र ही सो गया। While he was sleeping, जब वह सो रहा था, hundreds of very tiny people came there. सैकड़ों छोटे-छोटे लोग उसके पास आए and tied him with ropes और उसको रस्सियों से बांध दिया। When he woke up, जब वह जागा, he was surprised to see such tiny people. वह इतने छोटे-छोटे लोगों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। He soon became friendly with them. वह शीघ्र ही उनके साथ मित्रवत हो गया। They untied the ropes, उन्होंने रस्सियां खोल दी and gave him food, और उसको खाने के लिए भोजन दिया। Their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time. उनके रोटी के टुकड़े इतने छोटे थे कि वह एक समय में ही 10 टुकड़े एक साथ खा लेता था। For lunch, दोपहर के भोजन में, he ate 1000 loaves of bread. वह रोटी के 1000 टुकड़े खाता था। And 100 cauliflowers, और सैकड़ों फूलगोभी एंड 100 शीप, और लगभग 100 भेड़े भी वो खा लेता था। द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन। वो छोटे छोटे लोग उसको अपने लिलीपुट के राजा और रानी के पास ले गए। द किंग्स हैंड वॉज सो टाइनी। राजा का हाथ इतना छोटा था दैट गुलीवर हैड टू यूज ओनली वन फिंगर टू शेक हैंड। गुलीवर को केवल अपना उनसे हाथ मिलाने के लिए अपनी केवल एक उंगली का ही प्रयोग करना पड़ा। Everything was so small, हर चीज इतनी छोटी थी, that he was like a giant among the tiny people of Lilliput, कि वह Lilliput के छोटे लोगों के बीच में बहुत ही विशालकाय प्राणी था। These tiny people, ये छोटे लोग, were very kind and helpful, बहुत ही दयालु और सहायता करने वाले थे। They made a boat for him, उन लोगों ने गुलीवर के लिए एक नाव का नाव बनाई। इट वॉज टाइम फॉर गुलीवर टू लीव फॉर हेम। तो ये समय था गुलीवर के लिए कि वो अपने घर के लिए रवाना हो रहा था। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड्स। वह अपने मित्रों को छोड़ते वक्त बहुत ही दुखी भी था। ही गॉट इन टू द बोट एंड सेल ऑफ एज द टाइनी पीपल बेव्ड हिम गुड बाय। तो वह बोट में नाव में बैठ गया और खेते हुए नाव को चला गया। एंड एज द टाइनी पीपल, और जो छोटे छोटे लोग थे वो उन लोगों ने उससे अलविदा कह दिया। स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी कॉपीज में लिखें। सेलर, सेलर मींस नाविक। फियर्स, फियर्स मींस भयंकर। सैंक, सैंक मींस डूब गया। टाइनी, टाइनी मींस बहुत छोटा। अनटाइड, अनटाइड मींस खोल दिया। वॉयज, वॉयज मींस लंबी समुद्री यात्रा। आइलैंड, आइलैंड मींस द्वीप। जायंट, जायंट मींस बहुत बड़ा विशालकाय व्यक्ति। अब इन प्रश्नों के उत्तर दें। What was the name of the sailor? The name of the sailor is Gulliver. Yes. Name the island Gulliver reached after a storm. तो उसके बाद में कौन से आइलैंड पर पहुंचा? Gulliver reached Lilliput after the storm. Yes. What were the people of Lilliput like? Lilliput के लोग कैसे थे? Lilliput के लोग बहुत छोटे थे। The people of Lilliput were very tiny. Yes. What did Gulliver eat for lunch? Gulliver अपने दोपहर के भोजन में कितना क्या खाता था? Gulliver ate 1000 loaves of bread, 100 cauliflowers, and 100 sheep for lunch. हाँ, तो वो इतना सब कुछ खाता था। According to you, what was the funniest thing about the people of Lilliput? सबसे अच्छी जो मजेदार चीज थी Lilliput के लोगों के, वो क्या थी? According to me, the funniest thing of Lilliput is the Lilliputians were so tiny. हाँ, Lilliput के रहने वाले लोग थे बहुत ही छोटे छोटे थे। प्यारे बच्चों, अब हम
इन जो सेंटेंस भी दिए हैं इनको हम करेक्ट करेंगे. गुलिवर वॉज अ पायलट. फॉल्स. तो क्या हो यहाँ भरेंगे? गुलिवर वॉज अ सेलर. अ सेलर. यहाँ पायलट जगह सेलर लिखे. गुलिवर टाइड द टैनी पीपल. गुलिवर ने टैनी पीपल को बांध दिया. फॉल्स. तो इसमें क्या लिखेंगे? द पीपल टाइड द टैनी द गुलिवर. टाइनी पीपल टाइड गुलिवर. द गुलिवर नहीं, नेम के आगे द नहीं आएगा. द टैनी पीपल वर नॉट हेल्पफुल. ये इसमें क्या होगा? हेल्पफुल नॉट हट जाएगा. द टैनी पीपल वर हेल्पफुल. द किंग मेड अ बोट फॉर गुलिवर. बताइए इसमें क्या गलत है? तो किंग यहाँ पर नहीं राइट है, यहाँ पे आएगा टैनी पीपल. टैनी पीपल मेड अ बोट फॉर गुलिवर. बर्ड पावर. तो अपने शब्दकोश को बढ़ाएं. आज पढ़ेंगे होमोफोन्स. तो इसमें होमोफोन्स में वो शब्द आते हैं जिसमें उनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग अलग. EIGST 8, 8 में होता है आठ, लेकिन ATE 8 में होता है खाया. ऐसे हम लोग कह सकते हैं आई हैव 8 पेन्स, है ना, आई एट माई फूड, इस प्रकार से बनाएंगे. TAIL टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ, और TALE टेल मीन्स कहानी. तो इनको अपने वाक्यों में बना सकते हैं. KNOW नो, नो मीन्स जानना और नो मीन्स नहीं. जैसे आई नो यू और आई हैव नो पेन, इस प्रकार से आप वाक्य लिखें. होल WHOLE होल, होल मीन्स संपूर्ण. HOLE होल, होल मीन्स आपका कोई छिद्र. WRITE राइट, राइट मीन्स लिखना. जैसे आई राइट अ लेटर, और राइट मीन्स सही, यू आर राइट. RIGHT मीन्स सही. CSEE मीन्स देखना. जैसे आई सी द टेलीफोन, और SEAC सी मीन्स आपका सागर. जैसे आई गो टू द शिप, या आई गो टू अ सी. ग्रामर सीखना बहुत आवश्यक है शुद्ध लिखने पढ़ने और समझने के लिए. तो करेंगे प्रैक्टिस. फ्रेम क्वेश्चंस फॉर स्टेटमेंट्स यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर. जैसे मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, आपके एक यस नो टाइप, एक व्हाट टाइप ऑफ. तो आज आप पढ़ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग. तो हम लोग कर सकते हैं इन द इवनिंग को हम हटाएंगे, लिखेंगे व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, प्रश्न बनाएंगे. इसी प्रकार से शालूज बॉक्स इन हर बैग. तो हम लोग किस क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं वेयर इज शालूज बैग, शालूज बॉक्स. वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. तो अब फुटबॉल प्ले करता है, तो क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट डज वरुण लाइक टू प्ले. तो ये फुटबॉल हटा देंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे. आशी वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स. तो प्रश्न बनाने के लिए हम कर सकते हैं व्हाई डिड आशी गो. वेंट का क्या हो गया? गो. जब यहाँ डिड लगाया तो गो हो गया. व्हाई डिड आशी गो टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाएं. रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस. तो इसको प्रश्न कैसे बना सकेंगे? वेयर विल रीता बी. इस प्रकार से आपका प्रश्न बन जाएगा. बहुत अच्छी कहानी है. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. ये कॉम्प्रिहेंशन है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है. देयर वॉज अ पैरट नेम मिट्ठू. एक मिट्ठू नाम का पैरट तोता था. मिट्ठू लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज. मिट्ठू को हरी हरी मिर्ची खाना पसंद था. इट लव टू फ्लाई, इसको उड़ना अच्छा लगता था. इट हैड ब्यूटीफुल ग्रीन फेदर्स एंड अ रेड बीक. इसके बहुत ही हरे हरे पंख थे और लाल चोंच थी. तो बताओ व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरट. पैरट का नेम क्या था? मिट्ठू. हाँ, तोते का नाम मिट्ठू था. व्हाट डिड इट लव टू ईट. इसको क्या खाना पसंद था? ग्रीन फिलिंग हरी मिर्च. हाँ, हरी मिर्च खाता था. What was the color of its beak? इसकी चोंच का रंग कैसा था? Red. Red अर्थात लाल रंग का. तो बच्चों छुट्टियां चल रही हैं, आओ सीखते हैं making a cup of tea. तो इन शब्दों को आप blank में fill कर लें और इसकी हिंदी स्वयं निकालें. तो पहले blank भरेंगे यहाँ पे water, फिर दूसरे blank में यहाँ भरेंगे stove, और इस तीसरे blank में भरेंगे boils, और इसके बाद में यहाँ भरेंगे add के बाद में milk, और यहाँ पे ऐड के बाद में भरेंगे आपका, यहाँ मिल्क भरने के बाद में यहाँ शुगर भरेंगे, और फिर यहाँ भरेंगे टी, और टेक के स्ट्रेनर यहाँ भर लेंगे, और लास्ट में भर लेंगे शेप. तो इस प्रकार से अपना पूरा कर लें. और बच्चों आगे के वीडियोस पढ़ने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पाठ समझ में आया हो तो लाइक भी करें. ओके, गुड बाय.